इंसानुल्लाह मलिक सम्मान न्यूज से हमारे सहयोगी श्री नारायण कुशवाहा जी, आज यहाँ घाटमपुर तहसील में एक किसानों की बैठक हुई और ये किसान जो है एक बड़े आंदोलन की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं और निकट भविष्य में यहाँ भी किसान आंदोलन शुरुआत होगी। हमारे साथ है वेद प्रकाश पटेल जी, आप पुराने हैं और किसान भी हैं और आपने किसानों का दर्द भी देखा है। आज जो ये तीन काले कानून आए हैं वो किसानों पर कितना प्रभाव पड़ेगा आप बताएंगे? ये जो भारतीय सरकार ने तीन काले कानून पास करवाए हैं पार्लियामेंट और उच्च सदन में, इससे किसानों का बड़ा अहित होने वाला है। इसमें से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक इनका फार्मूला है, जिसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर खेती बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। वो 15 और 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर खेती किसानों से रुपए का लालच देकर लेंगे, उस पर तमाम प्रकार की सरकार से कर्ज उठा लेंगे और उस जमीन को कर्जदार के रूप में गिरवी रख देंगे, और इसके बाद उसमें जो प्रोडक्शन होगा वो उद्योगपतियों की बड़ी बड़ी जो करोड़ों टन के भंडारण की क्षमता की गोदाम बना रखे हैं उनमें भंडारित करके फिर वो अपने मन चाहे दामों पर देश की जनता के सामने वितरित करेंगे, जिससे कि भुखमरी भारी पैमाने पे फैल जाएगी। जब 15, 17, 18 रुपये का किलो गेहूँ देश का गरीब आदमी खरीद कर नहीं खा सकता है, उसमें भी 3 रुपये और 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाए, तब ये कंडीशन है कि देश में करीब 40 करोड़ आदमी 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार भोजन पा पाता है। 50 रुपया किलो गेहूँ देश के उद्योगपति गरीबों के पास लाएंगे, तब बड़ा सोचिए कि देश का अंजाम इन गरीबों का और इन किसानों को क्या होने वाला है। पटेल जी, जब एक फैक्ट्री मालिक अपने उत्पादन का दाम खुद तय करता है, लेकिन सैकड़ों बरस से एक दोहरी जो व्यवस्था है, जब किसान अपना अनाज उत्पादन करता है तो उसका रेट सरकार करती है, इस तरह का भेदभाव क्यों? ये सरकार का अन्यायपूर्ण रवैया चला आ रहा है देश के अंदर में। जब एक पक्ष अपना उत्पादित माल का भाव स्वयं तय करता है और उसको अगर उसका उचित लाभकारी मूल्य उसे यहाँ मिलता नहीं दिखता है, तो वो विदेशों में भी ले जाकर बेचने के लिए स्वतंत्र है, तब यहाँ के किसानों को उसकी उपज का मूल्य स्वयं न तय करके सरकार के नुमाइंदे तय करते हैं, जिन्हें खेती बाड़ी से संबंधित कतई ज्ञान नहीं होता है कि इस प्रोडक्शन में कितना लेबर, मजदूरी, खाद, बीज, पानी, सारी चीज़ों का खर्चा कितना आ रहा है। जैसा कि आज भी एक किलो गेहूँ उत्पादित करने में करीब 17 रुपये की लागत आती है, तब एक किसान का गेहूँ केवल इस देश के अंदर में सरकारी घोषित MSP जो है वो तो 19 रुपये है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण जो सरकार गरीबी के नाम पर 2 रुपया 3 रुपया किलो चावल और गेहूं की उपलब्धता करा रही है, ये स्वयं सरकार खरीद के वितरित ना करवा करके यदि ये पैसा सब्सिडी का गरीबों के खाते पे डाले और गरीबों से बोले कि ये पैसा हम दे रहे हैं और इससे गल्ला खरीद के आप बाजार से खाइए, तो किसान का गेहूँ भी 2000 रुपये किलो से कम नहीं बिकेगा, 3500 रुपये से कुंटल से चावल कम में नहीं बिकेगा। इस तरफ एक तरफ किसान भी महफूज रहेगा और दूसरी तरफ लेबर मजदूर भी महफूज रहेगा, क्योंकि सरकार उसकी सब्सिडी दे, जैसे गैस में सब्सिडी देती रही है, अन्य चीज़ों में सब्सिडी, खाद वगैरह में सब्सिडी देने की बात करती है। यदि यही सब्सिडी का पैसा उन गरीब की मजदूर किसानों के खाते में डाले और उनसे खुला मार्केट से खरीदारी की बात करे, तो किसान की माली हालत भी सुधरेगी और वो गरीब मजदूर इतना आदमी भी भूखो नहीं मरने पाएगा। रवि भाई, आप भी कुछ कहना चाहेंगे किसानों के पक्ष में? अभी यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों ने तो सब कुछ जहाँ तक बता ही दिया है, लेकिन जहाँ तक माननीय कृषि मंत्री जी ने जो लोकसभा में अभी बोला था कि किसान हमारे पास आए और बताएं कि इसमें काला क्या है,
अच्छा उनको मालूम नहीं है कि काला क्या है, कि पूरा कानून ही काला है, कि देश को अल्टीमेटली ये लोग मनवाद की तरफ ढकेल रहे हैं। ये तीन कृषि कानून अगर देश में लागू हो गए, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे कि अगर इस बार किसान हार गया तो समझ लो सब लोग गुलाम हो गए, और किसान मोदी सरकार ने जन निश्चय कर रखा है कि किसानों को हराना उनको, क्योंकि सरकार आम जनमानस की नहीं है, बनाई तो हम लोगों ने, लेकिन ये कारपोरेट के लिए काम कर रही है। जैसे कि अडानी अंबानियों ने अपने जो आने कितने हजार वर्ग हेक्टेयर में अपने बड़े बड़े गोडाउन बनाने शुरू किए थे 4-5 साल पहले, उनका क्या ऊपर भविष्यवाणी हुई थी क्या कि कानून आएगा? ये कानून आया नहीं, कानून पहले से बनवाया गया उनके लिए, पर्टिकुलर देश को इतना गरीब कर देना है। किसान जो आज अपना स्वाभिमान अपने दम पे जीता जिंदा है, मतलब किसी बात में करता है, ये इस हालत में ले जाना चाहते हैं कि वो बिल्कुल उनके ऊपर ही निर्भर हो जाए, दो पतियों के ऊपर, और फिर जैसा चाहेंगे वैसा कराएंगे। ये जात किसान समझ चुका है, इसीलिए किसान जब पीछे हटने वाला नहीं है, चीज़ मोदी जी भी जान लें अच्छी तरह से, और मोदी जी को आज नहीं तो कल हटना तय हो चुका है, अगर नहीं हटेगा जनता इनको उखाड़ फेंकेगी, राज्य को हमार करते हैं। पूरे देश के किसानों के साथ साथ मजदूरों और आम जनता में इतना भारी रोष है, अगर ये समय से कानून में समाप्ति नहीं की गई तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक इतना बड़ा इस देश में आंदोलन शुरू होगा जो मोदी नहीं किसी भी कंट्री चाहकर भी ये आंदोलन को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि मैं गांव-गांव जाकर देख रहा हूँ जो किसानों में मजदूरों में और गरीब तबकों में जो एक रोष व्याप्त हो रहा है उसका अंजाम मोदी को आज नहीं तो कल भुगतना है। और ये जनता मूड बना चुकी है कि अब परिवर्तन की बात होनी चाहिए, अब एक ऐसे सरकार की स्थापना हो जो देश के आम लोगों के हित में हो और गरीब मजदूर भी आगे बढ़ सके, उसके लिए शिक्षा रोजगार और तमाम ऐसी चीज़ की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। धन्यवाद आप सभी का।